ट्रंप के घर से गैर मुल्क की न्यूक्लियर पावर से मुतालिक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। FBI ने 8 अगस्त को साबिक सदर के फ्लोरिडा की रिहायशगाह पर छापा मारा था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में रिहायशगाह से FBI की जानिब से जब्त किए गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट में एक गैर मुल्की न्यूक्लियर पावर और फौजी ताकत का जिक्र भी मौजूद है। मारूफ अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस केस से बाखबर नामालूम जराए का हवाला देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिहायशगाह से मिलने वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स इस कदर क्लासिफाइड हैं कि उन तक सिर्फ सदर काबीना या काबीना के करीबी ओहदेदार ही दूसरे सरकारी अफसरान को इन तक रसाई की इजाज़त दे सकते हैं। अखबार ने इस मुल्क का नाम तो नहीं बताया जिसकी दफाई और जौहरी सलाहियतों के दस्तावेज का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ रिहायशगाह से 11,000 से ज़ायद सरकारी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आम टॉप सीक्रेट क्लियरेंस की बजाय नीड टू नो की बुनियाद पर खसूसी मंजूरी की ज़रूरत होती है। रिपोर्ट में इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं दी गई कि साबिक सदर की रिहायशगाह जो प्राइवेट मेंबरान क्लब की तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है वहाँ इंतहाई हसास किस्म के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले या किस किस्म के हिफाजती इंतजाम के तहत रखी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ते हुए कानूनी दबाव का सामना है जबकि आला खुफिया डॉक्यूमेंट्स को मुमकिन तौर पर छुपाया गया था ताकि साबिक सदर की जानिब से खुफिया मालूमात के मुमकिन गलत इस्तेमाल के हवाले से FBI की जारी तहकीकात में रुकावट डाली जा सके। एक अदालत की ऑफिशियल फाइलिंग में कहा गया कि जब FBI एजेंट्स ने 8 अगस्त को रिहायश की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ से कुछ इस कदर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले कि FBI के इंसदादे इंटेलिजेंस के अहलकारों और जे के वकीलों को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का जायजा लेने की इजाज़त देने से पहले इजाफी मंजूरी की ज़रूरत थी। FBI का डोनाल्ड ट्रंप की रिहायशगाह पर छापा इंतहाई क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स के जायजे के बाद सामने आया था जबकि साबिक सदर ने कई माह की पसोपेश के बाद नेशनल आर्काइव्स और रिकॉर्ड्स इंतजामिया को जनवरी में डॉक्यूमेंट्स हवाले किए थे। डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस से जाने के बाद सरकारी रिकॉर्ड्स खत्म करने के इल्जामात पर तहकीकात का सामना है जिनमें से चंद इंतहाई क्लासिफाइड थी जिन्हें पाम बीच में वाकया अपने घर में रखा गया था। छापे के दौरान FBI ने तकरीबन 33 डब्बे बरामद किए थे जिनमें 11,000 से जायद सरकारी रिकॉर्ड और तस्वीर थी जिन्हें क्लासिफाइड करार दे दिया गया था। साबिक सदर के घर छापे के बाद सियासी कशीदगी में इजाफे का खदशा है। मिलने वाले रिकॉर्ड में 90 खाली फोल्डर्स भी थे जिनमें से 48 को क्लासिफाइड करार दे दिया गया था। ये वाजिया नहीं है कि फोल्डर्स क्यों खाली थे, क्या इनमें मौजूद रिकॉर्ड्स गायब कर दिए गए थे। FBI की जानिब से मजीद डॉक्यूमेंट्स तलब किए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने बिला आखिर इजाफे 38 खुफिया दस्तावेज फराहम करते हुए हल्फिया सर्टिफिकेट फ्राहम किया कि उन्होंने तमाम मवाद फ्राहम कर दिया है लेकिन FBI बहुत से सबूत सामने लाई जिनमें दिखाया गया कि खुफिया डॉक्यूमेंट्स रिहायशगाह में ही मौजूद हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।